गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे आयनन विभव की, जिसमें हमने उसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। तो उसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई एग्जांपल तत्व दे रखे हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2। बोरोन का p1 P2, P3, P4 और फ्लोरीन का P5। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम के आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्यों होगी? परिरक्षण प्रभाव के कारण। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना या नाभिक में आने से रोकना। परिरक्षण प्रभाव के कारण और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के कारण। ऑक्सीजन का आयन विभव क्या होगा? कम होगा नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि इसमें P3 अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक के कारण। तो इस प्रकार कह सकते हैं, बोरोन का कम होगा बेरिलियम से, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये हो जाएगा IE, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का क्रम। अब आगे बात करेंगे विद्युत ऋणता की। इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी क्या होती है कि किसी परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। कि किसी परमाणु के द्वारा अन्य परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी। इनके आवर्तिता की बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ेगी या घटेगी। पहले वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उनका आकार भी बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो उनके जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी। और आकर्षित करने की क्षमता कम होगी
तो उसकी विद्युत ऋणता भी कम हो जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होगी? कम होगी। कारण क्या है? आकार बढ़ने के कारण। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार कम होगा। क्यों होगा? प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो जो आकर्षण बल है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। आकर्षण क्षमता क्या होगी? आकर्षण क्षमता बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये विद्युत ऋणता हो गई उसकी आवर्तिता, और आवर्तिता के आधार पर इसके प्रभावित करने वालों कारकों की बात करेंगे कि विद्युत ऋणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक कौन सा है? परमाणु में आकार। आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आकार बढ़ा तो विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। दूसरा जेड इफेक्टिव, जिसे क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता भी बढ़ जाएगी। और तीसरा कारक परिरक्षण प्रभाव, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। तो पहला कारक क्या है? आकार। आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत ऋणता के, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी के। दूसरा कारक क्या होगा? जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी बढ़ेगी, समानुपाती इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी। और तीसरा क्या हो जाएगा? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ही इसी की तरह विद्युत ऋणता की तरह सेम है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बस इतना अंतर है कि वो ऋणायन में बढ़ती है। उसका बढ़ना या कम होना किस पर निर्भर करता है? ऋणायन पर। तो पहले बात करेंगे विद्युत ऋणता, वो कर लिया। आगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है? इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? जैसे कोई परमाणु दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए तो निष्कासित ऊर्जा होगी, वही क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। इसे परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रकार, किसी परमाणु में या किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा निष्कासित होती है
निष्कासित ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे ये कोई एलिमेंट है, किसमें, गैस के फॉर्म में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, ऋणावेश और ऊर्जा क्या होगी, निष्कासित। और ये जो ऋणावेश आया है नेगेटिव, निष्कासित ऊर्जा के कारण जो ऋणावेश आया है वो किसके कारण आया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कारण। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के फलस्वरूप ऋणायन का निर्माण होता है। निर्माण किसके कारण होता है, ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण। ऊर्जा क्या हुई, उत्सर्जित। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ वो ऋणावेशित, ऋणावेशित फॉर्म में एलिमेंट प्राप्त हुआ, तो यह अभिक्रिया क्या, उसमें सेपी अभिक्रिया है, उसमें सेपी अभिक्रिया है। फिर ये ध्यान रखना कि इसमें किसी परमाणु के बाह्यतम को से इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, और इसमें क्या करेंगे, इसमें परमाणु में जोड़ा, इसमें किसमें जोड़ेंगे, ऋणायन में। कि किसी ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए तो निष्कासित ऊर्जा होगी, तो क्या कहलाएगी, कि किसी ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो निष्कासित ऊर्जा वो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो ऋणावेश प्राप्त हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, और नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो x 2 प्लस, और जो ऊर्जा निष्कासित होगी तो अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये कौन सी होगी, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धनात्मक, पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो ये कह सकते हैं इसके बारे में कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होता है। क्यों होता है, इसका कारण कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता से
कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? ऋणात्मक, और द्वितीय का धनात्मक। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है ऋणायन में बढ़ता या घटता, किसमें? ऋणायन में। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणायन में बढ़ता है या घटता है? जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा? ऋणायन में बढ़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारकों की, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आकार, आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा जेड इफेक्टिव, समानुपाती इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरा परिरक्षण प्रभाव, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के। और चौथा ध्यान रखना, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? कम होता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं आकार, प्रभावी नाभिक आवेश, परिरक्षण प्रभाव, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको।